हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेकअप लवर्स, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज मैं ऑफिस गोइंग लेडीज़ या जिस तरह से हम लोग कैजुअली घर में तैयार होते हैं उसके लिए मैं आपको फाउंडेशन लगाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपकी स्किन टोन है उससे आपने एक नंबर ज़्यादा लेना है। अब जिस तरह से मैंने इस कंपनी का, ये आप देख सकते हैं, इस ब्रांड की मैंने ये फाउंडेशन ली है और इसका नंबर है 02। ठीक है, आप इस तरह करेंगे, आप किसी पैलेट में कोई एक्स्ट्रा पैलेट आपके पास रखो, जैसे हमारे पास पाउडर या इस तरह से फ्री हो जाते हैं, ख़त्म जब हो जाती हैं तो उनका जो पैलेट होता है वो फ्री हो जाता है। अब जिस तरह से मैंने भी ये बनाया हुआ, अपना एक पैलेट बनाया हुआ है, आप इसके अंदर आप इसको फाउंडेशन को आप डालें। डालने के बाद फिर आप ये करें, आप एक इस तरह का ब्रश ले लें। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप ये वाला आप पफ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि जी आप इस ब्रश को इसमें पैलेट में रख के और आप इस तरह से टैप टैप करेंगे। इस तरह से आपने टैप टैप करना है। जो हम लोग ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं या जिस तरह से हम लोग डेली रूटीन में हम तैयार होते हैं, हमें कंसील करने की ज़रूरत नहीं होती स्किन को और ना ही हमें ज़्यादा ही इसको फाउंडेशन वगैरह लगाना होता है। बस आपने लाइट सा इस तरह से ये आप टैप टैप करेंगे, ये देखें। उसके बाद आप नेक पे आप लगाएंगे इस तरह से, आप ईयर पे आएंगे। ये करने के बाद फिर आप अच्छी तरह से, जिस तरह से ये अच्छी तरह से आप, सॉरी बाल आ रहा था, ये आप ऐसे ब्रश को आपने इस तरह से रखना है, ना कि आपने ऐसे लेकर आना है। आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप ब्रश को ऐसे रखेंगे। ये देखिए, अब आप जिस तरह से ये कर रहे हैं, आपकी जो आंख की इस तरह से ये क्रीज है, लाइन ये खुद ब खुद बन रही है। जब आप, अगर आपने मेकअप किया हुआ है, आईज मेकअप किया हुआ है, तो वो खुद ब खुद इसकी शेप बनेगी। ये इस तरह से आप करेंगे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करने के बाद। अच्छा, जिस तरह से ऑफिस लेडीज़ और हम लोग अमूमन घर में तैयार होते हैं, कैजुअल मेकअप करते हैं, इसमें हमें कंटूर की भी ज़रूरत नहीं होती। कंटूरिंग में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने डार्क कलर ही करना है, आप लाइट कलर भी उसमें कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई लाइट सा कलर लें, अगर आपको ज़रूरत है कंटूर करने की तो आप उसमें कंटूर कर लें, लेकिन लाइट कंटूरिंग आपने करनी है। जो एक्स्ट्रा आपका होगा, आप फाउंडेशन होगा, आप इस पफ से आप इसको ब्लेंड करें अच्छी तरह से, ऐसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। ये आपने नेक पे आना है, ये मैं किसी दिन आपको आईब्रो को टिंट करने का तरीका भी बताऊंगी। अभी तो मैंने ये टिंट किए हुए हैं अपने आईब्रोज, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लाइट से आप पफिंग भी कर सकते हैं, कोई कॉम्पैक्ट पाउडर लें और आप उसके बाद आप ये कर लें, पफिंग कर लें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पफिंग नहीं करती होती, बस लाइट लाइट से इस तरह से ये। ये देखिए जी, मैंने इस ब्रांड का मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है ये, और इसका नंबर है 01। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।